गाइस जरा मैं ना आपको एक चीज़ दिखाने वाला था और ये ना मैं काफ़ी टाइम से नहीं दिखा पा रहा। ओए आ जा। तो ये हमारे पास ना एक जंगली कबूतर आया है और ये कैसे आया है और क्या हुआ है इसको आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो गाइस ये ना हमारे घर के पास ही रहता था, ये मतलब यहाँ पे बैठता था, वहाँ पे बैठता था, यहाँ बैठता था और ये कभी कभी जीने पे भी आके बैठता था। सीन कुछ ऐसा हुआ गाइस, ये हमारा जो सामने वाला घर है ना, तो मैं एक दिन बाहर खड़ा था, गांव से ही आया था शायद मैं अभी, जस्ट अभी एक या दो ही दिन हुए थे मुझे आए हुए। तो जब मैं आया तो एक मैं भोली को तो जानते हो, कृष्णा का भाई है, तो वो कह रहा कि कबूतर गिर गया है और मैंने देखा भाई मेरे छींटे ही छींटे भाई खून के भाई साहब, इसको इतनी बुरी हालत में मैंने इसको रेस्क्यू किया है ना भाई, अपने यहाँ पे मेरे घर के पास ही पड़ा हुआ था, मतलब अंदर नाली में गिरा नहीं था, बचा हुआ था, नाली में गिरने वाला था, बट अब तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। पहले भाई बहुत ज़्यादा इसका ब्लड निकला, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं बताता हूँ हुआ क्या इसको। तो ये ना गाइस सामने वाले घर पर बैठा होगा, उनके भी जीने वीने पर चले जाते हैं ये सब, मतलब ऊपर नीचे करते रहते हैं जंगली कबूतर। तो उनका पंखा चल रहा होगा, इसका ना पंखे में पूरा पर लगा और पर कट गया पूरा, तो ब्लड ही ब्लड। ओए ओए ओए, ये देख सकते हो ये हल्दी हल्दी सी लग रही होगी ना, ये यहीं पे इसका छोटे, ये देख सकते हो गाइस, ये इसका बाजू नहीं अब काम नहीं करता मेरे हिसाब से, ये देखो बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा, मतलब बाजू हैंड हो चुकी है बिल्कुल, ये हल्दी हल्दी मैंने ही लगाई है और इसको एक दो हफ्ता हो गया, चोट तो पूरी सूख चुकी है, देखो ये दिख रही होगी, आई हो गया, मुझे भी नहीं दिखती चोट बट ब्लड निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो अब तो काफ़ी अच्छा ठीक हो चुका है और ये पेटी में ही रहता है, बेचारा जिंदा है, मैंने इसको ज़िंदा बचा लिया, अगर मैं देखता नहीं ना तो पक्का कुत्ता वुत्ता जो भी होता इसको खा लेता, बट ये बचा लिया मैंने इसको और अभी तो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं इसका, बट मुझे लग नहीं रहा भाई ये उड़ पाएगा, बाकी भगवान के ऊपर है भाई, अगर सही हो गया तो हम ज़रूर इसको छोड़ देंगे वापसी, तो जल्द चाहता हूँ ठीक हो जाए। बाकी तो चल रहे हैं भाई छत पर और कबूतरों को खोल देते हैं, बिकॉज आज जो है इस कबूतर को हम मॉर्निंग में खोलेंगे, आज जो है संडे भी है और सही भी रहेगा, थोड़ा मॉर्निंग में खोल जाएंगे। तो इसको वापसी इसी के अंदर रख देते हैं, ये इसी के अंदर रह रहा है, एक डेढ़ हफ्ता हो चुका है इसको रहते रहते इसमें, तो इसी में रह रहा है। ये हमारी पेटी ना गाइस सिर्फ अपने रेस्क्यू कबूतर करे हुए होते हैं ना, जो बीमार कबूतर होगा जो भी होगा, ज़्यादातर तो इसमें भाई जंगली कबूतर रहे हैं शुरू से, आपने भी देखा होगा हमारे पास कितने सारे जंगली कबूतर आते हैं, हम छोड़ देते हैं, रेस्क्यू करते हैं छोड़ देते हैं, बस भाई आपसे भाइयों का ही प्यार है, क्योंकि भाई हमें जानते हैं, भाई हमें जान पहचानते हैं, भाई उन्हें पता है कि हम ले लेते हैं, बहुत से भाई नहीं लेते हैं, बट मैं हमारे यहाँ ना भाई कोई सा भी कबूतर जंगली पालतू कुछ भी हो, कोई जीव भी क्यों ना हो, हम तुरंत रख लेते हैं, क्योंकि यार कोई समझता ना समझो हम समझ लेते हैं। फिलहाल चलते हैं छत पर और कबूतरों को खोल देते हैं फटाफट से, आज संडे है, घूमते रहेंगे शाम तक अपना मज़े में, उससे फ़ायदा भी होगा हमारा, अगर आया अब बाकायदा कोई कबूतर आ गया दोपहर में बैठ जाए उस दिन की तरह, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलो खोल देते हैं कबूतर, इससे क्या फ़ायदा होता है भाई, अपना घूम भी लेते हैं शाम तक और शाम को मैं आता हूँ फटाफट से इनको दाना वाना डाल के बंद कर देता हूँ। ओए होए लग रहा मुझे बच्चा निकल गया गाइस, वो एक अंडे का छिकल पड़ा है, अभी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, बाद में दिखाऊंगा ठीक है। तो अभी तो हम कबूतर को बस खोल देते हैं, इसमें कलसरी कबूतरी का जोड़ा नहीं दिख रहा मुझे, कलसरी कबूतरी नहीं दिख रही, कबूतरी कहाँ है कलसरी, अबे यार कलसरी कबूतरी नहीं दिख रही भाई अपनी ये कबूतरी। ओह ये क्या कर रखा है गाइस, पैर जल रहे हैं, पैर जल रहे हैं भाई, धूप कितनी तेज है, ये देखो ये क्या हालत कर रखी है चले करके, एक कैसे गिरा दिया तुमने, आ जा पूरी हालत ख़राब है भाई, भाई मेरी एक कबूतरी नहीं दिख रही यार, कलसरी कबूतरी, वो इतनी पुरानी कबूतरी है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है, इसमें तो बंद नहीं कर दी कहीं गलती से, वैसे कबूतर तो कल मैं ही बंद करके गया हूँ, इसमें तो नहीं है यार, एक बार और देख लेते हैं चल के अंदर ध्यान से, यहाँ अंडे सेकती थी, अंडे भी नहीं है, कबूतरी भी नहीं है भाई साहब, कबूतरी कहाँ चली गई अचानक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कबूतरी गायब हो जाए भाई, मानोगे नहीं बहुत पुरानी कबूतरी यार, बहुत बहुत ज़्यादा लिटरली, प्यार जल रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ चप्पल पहन के आने, मेरी हो जाएगी हालत खराब, भाई चप्पल पहन के तो आ गया हूँ मैं भाई, धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और कबूतरों को तो दिया है मैंने खोल अपना, इससे फ़ायदा होगा इनका, धूप भी ले लेंगे और मौसम भी हवा भी सब मिल जाते यार, इसमें बड़े पड़े ना ये भी बोर हो जाते होंगे, तो इस वजह से मैं खोल देता हूँ इनको डेली, और पकड़ा हुआ कबूतर ही है। और आज जो है ना गाइस हम शाम को ना अपने ये पट्ठा जो हमने दो पकड़ रखे हैं, एक वो और एक ये रंजन ने पकड़ रखे थे, तो इन दोनों के हम पर खोल देंगे शाम तक ठीक है गाइस, शाम को ही खोलेंगे, अभी तो हम खोल नहीं रहे क्योंकि छत पे मैं रहूँगा नहीं, बस इनका मैं गेट खोल के मैं खुद नीचे चले जाता हूँ। तो फिलहाल तो गाइस इनका मैं पानी वानी जो है ना भर के रख देता हूँ, जिससे कि अपना प्यास व्यास लगे तो पानी वानी पीते रहे, और ऐसे ही पूरे दिन गेट खुला रहता है, भगवान ना करे यार कभी बिल्ली बिल्ली आ जाए, क्योंकि अभी कभी तो ऐसा हुआ नहीं है अभी,
अभी जब से मैं ऐसा सिस्टम करके जाता हूँ अपना, क्या होता है ना, गेट खोल के चले जाता हूँ ना, कोई कबूतर भी आगे बैठेगा तो अपना गर्मी के बजाय अंदर जाके बैठ सकता है। बट यार बिल्ली का डर रहता है बस, और कोई डर नहीं है हमें। बाकी बिल्ली भगवान ना करे कभी हो ऐसा, अभी तो फिलहाल हमें बिल्ली दिखती नहीं है इधर अपने इलाके में। पहले बहुत सारी बिल्ली थी बट अब एक भी नहीं आ रही। तो अभी इनको मैं पानी वानी भर के रख देते हैं। और अपना ये वाला जाल तो भाई खाली है आपने जैसे देखा, तो आप कमेंट करके बताना यार किसके अंदर हमें अब क्या रखना चाहिए, कौन सी जीव, कौन सा पक्षी, क्या कुछ भी बता देना है। इतना प्यारा घर हमारा ऐसे खाली पड़ा हुआ है। कोई नहीं, जल्दी इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ रखेंगे। देखो सारे भाई, सारे के सारे देखो कैसे धूप लेने लग गए, यही फायदा यार। तो और कुछ नहीं है, मैं खोल देता हूँ, वैसे डेली नहीं खोलता भाई, मॉर्निंग में दो दो तीन तीन चार चार दिन के बाद मैं खोलता रहता हूँ, मॉर्निंग में एक दिन खोल देता हूँ क्योंकि भाई अच्छा लगता है यार। ठीक है, मॉर्निंग में खुल जाते हैं। तो फटाफट से मैं पानी भर दूँ, पहले पानी भी डाल दिया यार। और अपना ना वो डोंगा जो था ना भाई काले कलर का, वो पता नहीं कहाँ नहीं दिख रहा भाई, मैं गाँव से आऊँ ना जब से मुझे दिखे नहीं रहा, लग रहा है उड़ गया, किसी की छत वत पर चला गया आंधी वांधी में। प्लॉट में देखा बट प्लॉट में तो दिखा नहीं, रंजन बता रहा था इनके घर पर गिरा हुआ बट दिखता ही नहीं मुझे। देखते हैं भाई, पूछेंगे अगर इनके घर पे हो तो ले आएंगे, क्योंकि गाइस कबूतर भी ना नहा नहीं रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया मुझे लग नहीं रहा जब से मैं गांव से आया हूँ। रंजन ने गांव में गया था तब भी नहलाया हो, क्योंकि वो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। तो कबूतरों को भी नहला देंगे यार, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। गाइस अभी शाम हो चुकी है और गाइस अभी मैं छत पर आया हूँ, और फाइनली आज जो गाइस हम अपने दो पट्ठों के पर खोलने वाले, जो पकड़े थे ना रंजन ने, आज उनके पर खोल देते हैं। तो अभी खोलता हूँ मैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, उससे पहले मैं थोड़ा सा दाना भी डाल देता हूँ, क्योंकि शाम तो हो ही गई है, अब रंजन को अपने कबूतर खुलने हैं, इसके बाद वही खुलते हैं, तो इस वजह से इनको दाना डाल देते हैं। और भाई अपना एक कबूतर ही भाग गया, बहुत 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 ज़्यादा पुराना, करीब से करीब 6-7 साल पुराना कबूतर, करीब 6 साल या 4 साल 5 साल बाद पुराना कबूतर था वो, और कबूतरी थी भाई कल से, मुझे नहीं पता भाई क्या सीन हुआ इसके साथ, मर गई, भाग गई, क्या हुआ, मतलब भाई घर पर दिख नहीं रही है। ये लो भाई, ये फिर गिरा दिया, पता नहीं कैसे गिरा दे रहे हैं बार बार। मैं सुबह खड़ा करके गया था ना आपके सामने, देखो एक हिल कैसे रहा है बार बार, पत्थर निकाल दिया किसी ने नीचे से ना, तभी गिर रहा है ये। तो लग जा भाई, भाई इसको सही कर दो यार पहले, कि यहाँ पे भी अंडा है, तो वहाँ पे भी अंडे हैं, एक वहाँ पे भी अंडा है। इस वाले सेटअप में देख लो अपना, कुछ ऐसा ही सिस्टम हो रखा है। बट यार मुझे तो दुख हो रहा है इस बात का कि भाई वो कबूतरी भाई भागने वाली नहीं थी, बट वो हमारी छत पर है नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, पता नहीं कैसे गायब हो गई भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कल मैंने देखा था भाई अपने आंखों से खुद देखा था, ये जहाँ पे ये कबूतरी बैठी ना वहीं पे बैठी थी, उसका ना छाती भी गंदा हो रहा था, तो आगे का जो ये पोटा होता है ना ये गंदा हो रखा था वो, क्योंकि अंडे सेक रही थी, मुझे लगा अंडों पे है कबूतरी, पर पता नहीं कहाँ गायब हो गई यार, कल ही देखा यार मैंने, आज ही गायब हो गई है, पता नहीं क्या सीन। वो भी भाई भाग नहीं सकती यार, मुझे लग रहा है यार फिर मर गई, क्या हुआ पैसे यार, समझ नहीं आ रहा यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्या हुआ होगा उसके साथ। बट यार छोड़ो, अब तो घूम नहीं रही है वो। ठीक है, तो देखा जाएगा सीन क्या हो रहा है। और अभी उन दोनों के ही पर खोल देते हैं, फिर दाना वाना डाल देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी करेंगे इनको, फिर उसके बाद ना भाई जो दिन मैंने कबूतर पकड़ा था ना उसका भी पर खोल देंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके कबूतर इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारे हो जाएंगे फिर दोबारा पहले की तरह। रंजन ने भाई उसके भी पर खोल दिए, देखो वो भी पर बंदों में था, ये भी पर बंदों में था, मतलब काफ़ी सारे कबूतर परंत हो गए छत पर। अब मैं दो पर खोल के ही गया था आपके सामने, तो और एक पट्ठा भी आ गया है, बड़ा हो गया है, वो तो आपने देख ही लिया है फिलहाल। तो इनको पर खोल दूं मैं पहले, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, तो मैंने ना इन दोनों के पर खोल दिए, और आपको मैं एक बार शौक कराया था बिकॉज कहीं भाग जाए, तो एक ये रंजन ने पकड़ रखा था, आपने रंजन की वीडियो में देखा होगा, और एक ये ललसरा से कबूतर पकड़ रखा था, ये दोनों पट्ठे ही पकड़े थे और दोनों ही एक ही दिन पकड़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं आया तो मैंने वो वाला पकड़ा। तो फिलहाल तो गाइस इनको ना अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, आपकी आंखों के सामने। तो अभी तो इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि सुबह से खुल रहे हैं, और ये डेली भाई काफ़ी टाइम से ही खुल रहे हैं, वैसे तो पुराने भी हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने कहा कि पर खोल देते हैं क्योंकि छत पे घूमते रहेंगे अच्छा लगेगा। तो चलो छोड़ देते हैं भाई, दोनों को ही छोड़ दिया मैंने। तो गाइज अभी तो इनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बिकॉज देखो एक ऊपर बैठ गया है और एक अभी नीचे ही है, और मैं ज़्यादा छेड़ूंगा अभी नहीं क्योंकि शाम भी हो चुकी है और अभी पहला दिन है। तो ये धीरे धीरे ना धीरे 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 करके ये खुद ऊपर नीचे कर ले। अब तो इनके पर खुल गए, अभी इन्हें पता भी नहीं है कि मेरे पर खुले हुए हैं, उसके तो भाई एक साइड के पर खुले हुए थे मैंने देखा, और इसके दोनों ही बंधे हुए थे। तो दाना बाहर देते हैं, वापसी इसको नीचे उतार लेते हैं। आ आ आ, देखो भाई अब नीचे उतरेगा वो, आओ 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 आओ, फिर मार देते आ आ आ आओ आओ, उतर गया देखो भाई उतर गया। देखो ऐसे करके 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 मैं डेली खोल दूंगा ना शाम को, क्योंकि मैं शाम को खोल कर ना कभी भी भाई मैं छत पर नहीं रुकता। अब मैं पहले जैसी आदत नहीं रहेगी भाई छत पर रुकूँ कबूतरों को देखूँ, अब मैं कबूतर खोल देता हूँ, घूमने देता हूँ खुद ही, पूरे दिन गेट खोल के छोड़ देता हूँ, और फिर मैं जब आता हूँ शाम को बस दाना डालने के लिए आता हूँ। ठीक है, तो एक डेढ़ घंटे पहले मैं इनको खोल के छोड़ देता हूँ घूमने के लिए, फिर सिर्फ
फिर उसके बाद मैं दाना डालने के लिए फिर आता हूँ, फिर मैं दाना वाना डाल देता हूँ। बाकी गाइस कबूतर भी मेरा एक भाग गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ। और सुबह वो जंगली कबूतर आपने देखा, तो उसके लिए भाई दुआ करना कि वो ठीक हो जाए बेचारा। ठीक है, वैसे तो ठीक हो ही जाएगा, घाव तो उसका पूरा सही हो गया, बस उसके बाजू ना जो है काम नहीं कर रही, कर रही है बट बहुत कम कर रही है। और अभी तो मैं इनको दाना वाना डाल देता हूँ, पानी वानी भी सब प्रॉपर भर के रख दूँगा। ठीक है गाइस, और मैंने जो सुबह आपको एक अंडा दिखाया था ना, ये देखो भाई यहाँ पे भी कितने सारे कबूतर उड़ा दिए भाई ने, सारे भाई निसावरे पालते हैं, सारे निसावरे पाल रखे हैं। ठीक है भाई, अब मैं भी फैंसी कबूतर ही रखूँगा भाई, ठीक है ज़्यादा। और मैं आपको बच्चा दिखा देता हूँ, मैंने कहा था ना बाद में दिखाऊंगा, देखो ये रहा अंडे का छिक्कल, ये देखो भाई अंडे का छिक्कल है, इसका ही बच्चा निकला है। सबके नीचे अंडे दोबारा देखो, इसके नीचे दो है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे भी दो है शायद, मारेगा शायद। वो देखो बच्चा भाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वो देखो वो रहा। चलो रख देते हैं सब वापसी, छोड़ देते हैं, छेड़ना नीचे है वैसे, बट आप सब भाइयों को दिखा रहा था इस वजह से छेड़ दिया मैंने। फिलहाल दाना वाना इनको दे देते हैं, ठीक है भाई ना खा लेंगे। थोड़ा सा बाजरा भी ले आता हूँ, छोटा दाना जो है ना वो बच्चे खा लेते हैं, बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं बाजरा उठाना, फिर उसके बाद गेहूँ उठाएंगे, फिर उसके बाद मक्का भी उठा लेंगे, ऐसे इनका रिकवर होते रहेंगे अपने टाइम टू टाइम। अब तो बड़े भी हो गए, देखो एक वाला बच्चा बड़ा हो गया है और एक ये वाला है, इसके साथ का भाई एक मर गया, उसके रंजन ने दवाई लगा रखी थी, मच्छरों ने काट काट के भाई परेशान कर रखा। एक वो लक्खे का बच्चा निकला बहुत प्यारा, बड़ा हो जाएगा ना फिर आपको मैं शौक कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा मैं। ठीक है, बाकी तो मैंने गाइस उनके आज पर खोल दिया दोनों के, और देखते हैं भाई टिकते हैं या फिर भाग जाते हैं। बाकी तो आपको वीडियो में दिखता रहेगा, अगर मैं बनाऊंगा आगे फिर आपको दिख जाएगा कभी भी वीडियो में अगर रहे तो। वैसे भागना तो नहीं चाहिए, और मद्रासी वाला भी हिल गया, ये भी हिल गया, इस वाले की तो भाई दाद देनी पड़ेगी भाई, इस काले वाले पट्टे की भाई। तीन तीन दिन तक रात रह चुके आ चुका है हमारे यहाँ, मतलब एक दिन भाग गया और तीन दिन बाद वापसी आया, इतनी छोटी उम्र में भी भाई। भाई दिल से बता रहा हूँ, ऐसे कबूतर मिल जाए ना कसम से फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कबूतर के, भागेंगे ही नहीं कभी ज़िंदगी भर। फिलहाल इनको पानी भर देते हैं दूसरा ठंडा, और दाना वाना दोबारा डाल देते हैं। आओ 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 आओ। अब तो गाइस मैं इनको भी बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब रंजन को अपने खोलने होंगे ना, तो इनको दाना वाना फुल करा के फिर इनको मैं बंद कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, छोटी सी वीडियो थी, बिकॉज कुछ है ही नहीं यार दिखाने को, देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले की तरह दोबारा वीडियोज लाऊँ। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।